हेलो एवरीवन, सबका स्वागत करता हूं अपने एक नए यूट्यूब वीडियो में। फाइनली एक नई वीडियो लेके आप सबके सामने आ चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। दोस्तों, आज मेरे पास है M4 का बैंड और M7 का बैंड, जो कि ये ओल्ड है और ये न्यू लेटेस्ट मॉडल है। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों को कंपेयर करेंगे और बताएंगे इन दोनों में से किसका फीचर्स ज्यादा अच्छा है, किसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। दोस्तों, किसमें क्या क्वालिटीज है। दोस्तों, प्राइस की बात करें तो दोनों सेम है, लेकिन क्वालिटी की बात करें तो जब अनबॉक्स करेंगे उसके बाद ही हमें पता चल पाएगा कि किसमें क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या इसमें कंपनी ने क्वालिटी दिया है, क्या क्या बिल्ड क्वालिटी इसकी है, डायल शेप कैसा है, चार्जर कैसा है और इसमें क्या क्या फीचर्स कंपनी ने प्रोवाइड किया है, M4 में क्या है और M7 में क्या है, ये तो अनबॉक्स करने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, मेरे पास कमेंट्स आ रही थी इस राउंड में हम कौन सा वाला बैंड ले, तो जो कह रहे थे आज की वीडियो पूरा एंड तक देखें, क्योंकि मेरे पास है 4 बैंड और 7 बैंड, दोनों को कंपेयर करेंगे और आपको कंपेयर करके बताएंगे दोनों में कौन सा वाला बैंड ज्यादा बेस्ट है आपके लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो दोस्तों, ये रहा आपका M6 बैंड और ये रहा आपका M7 बैंड। तो दोनों को पहले हम अनबॉक्स कर लेते हैं, ठीक है। टाइम ना लगाते हुए मैंने डायल को सेट कर लिया है और इसको हम रख देते हैं साइड में और ये देखो, ठीक है। इसमें हमारे को डायल के साथ पूरा पूरा पट्टा मिल जाता है, इसमें भी डायल के साथ पट्टी मिल जाती है और ये हो जाता है आपका मैग्नेटिक चार्जर और ये आपका हो जाता है M4 में क्लिप वाली, ठीक है, क्लियर है। तो इन दोनों को कर देते हैं साइड में। अब हम बात करते हैं फीचर्स क्या क्या है, ठीक है, फीचर्स क्या क्या है दोनों में और क्या क्या है, बेस्ट कौन सा है ना। तो ये आप देखो, ये आपका 4 है और ये आपका 7 है, ठीक है दोस्तों। तो जब हम इसको प्रेस करके रखते हैं तो इसमें वॉलपेपर चेंज नहीं हो रहा है, ये देखो, ठीक है। लेकिन इसको जब हम प्रेस करके रखते हैं, यहाँ पे इसको प्रेस करके रखते हैं तो आप देख पा रहे होंगे इसमें आपको दो वॉलपेपर मिल जाते हैं, ठीक है। ये M7 है जो कि 7 सीरीज का, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसमें क्या फीचर्स है, पहले इसकी बात करते हैं। तो इसमें फर्स्ट मिल जाता है आपका स्टेप का, धन मिल जाता है हार्ट रेट का, उसके बाद स्पोर्ट्स का, उसके बाद मैसेज का एंड स्लिप का मिल जाता है, वेदर का मिल जाएगा, म्यूजिक का मिल जाएगा एंड मोर पे जब क्लिक करते हैं तो आपको कैमरा मिल जाता है, लुकिंग फॉर का मिल जाता है, थेम का मिल जाता है, रीसेट कर सकते हैं आप, डाउनलोड आपको QR कोड यहाँ पे आपका आएगा अबाउट में, ठीक है। उसके बाद फिर आपका मेन फेस आ जाएगा, ठीक है। ये तो रहा इसकी M4 की खासियत और इसकी क्वालिटी है और फीचर्स, ठीक, आप देख पा रहे होंगे। साइज की बात करें तो दोनों सेम है ना, फर्क ज्यादा है नहीं, देख पा रहे होंगे। तो बात करते हैं M7 की, इसमें एक्स्ट्रा क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। पहले तो एक्स्ट्रा इसमें आपको दो वॉलपेपर मिल जाती है, ठीक। उसके बाद आपको मिल जाता है जो यहाँ पे आपको जो इसी बटन से ऑपरेट करना होता है, ठीक है, M4 बैंड में भी और M7 में यहाँ से, ठीक है। तो पहला स्टेट का मिल जाता है आपका, उसके बाद आपको BPM का मिल जाता है, यहाँ पे स्पोर्ट 2 का मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्पोर्ट का मिल जाता है, यहाँ पे म्यूजिक सुन सकते हैं, मैसेज शो होगा, स्लिप का है और मोर पे क्लिक करते हैं तो आपको कैमरे का मिल जाता है, फाइन फोन का मिल जाता है, डायल का मिल जाता है, रीसेट कर सकते हैं आप, ऐप है और आपका अबाउट में ही है, ठीक है। उसके बाद आपको मिल जाता है मेन फेस, ठीक है। तो ज़्यादातर मैं आपको बात करूं तो सब कुछ सेम है, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या है मैं आपको बता दूं, इसमें आपको वॉलपेपर 2 मिल जाती है एंड इसमें फीचर्स भी है, जैसे स्टेट का है आपका, BPM का और स्पोर्ट 2 का, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें कुछ है एक्स्ट्रा इसमें, बाकी सारी चीज़ें सेम है ना, आप देख पा रहे होंगे। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कि इन दोनों में से कौन सी वाली वॉच आपको पसंद आई है ना, इन दोनों में से कौन सी वाली वॉच आपको पसंद आई। तो उम्मीद करता हूं कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजिली मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, रखिएगा अपना ख्याल। नई वीडियो तब तक के लिए बाय।